नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। मैं हमेशा वीडियो से पहले कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, लेकिन आज मैं कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तभी करिए जब आप इस वीडियो को देखने की क्षमता रखते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तभी करिए जब आपके अंदर सनातन की ज्वाला दीप्ति हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तभी करिए जब आप सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तभी करिए जब आप देश विरोधियों को और ऐसे गद्दार नेता को जवाब दे सके। अगर आप में वो क्षमता नहीं है, मेरे आपकी हाथ जोड़ के अनुरोध है आप सभी लोगों से कि अगर आप सेकुलर का पाठ पढ़ के इस भारत के अंदर दोगले बनकर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए। लेकिन अगर आपके अंदर ज्वाला जग रही है सनातन की, अगर आप अपने संस्कारों के अनुगामी हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे भारत में कुछ नेता हैं, उदय स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, जिनको सनातन से दिक्कत है और ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं। उदय स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे पहले उनको अपने माथे पर तिलक को हटाना पड़ता है। मैं गर्व से मैंने अपने माथे पर तिलक लगाया है क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, और वह हिंदू होने के बाद भी उनको वह तिलक वहां से हटाना पड़ता है क्योंकि उनकी आंतरिक राजनीति के लिए। मैं उन दोनों जैसे लोगों को कहना चाहता हूं और उनके जितने भी समर्थक हैं और INDDIA यानी कि भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जब सनातन के विरोध में बात हो रही है तो आपके मुंह चुप है, आप चुप हैं, आपने मुंह पे ताला लगा रखा है सबने। इसका मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि भारत से सनातन खत्म हो, और आपके चाहने से सनातन खत्म नहीं हो सकता। उदय जी और खड़गे जी, आप बात सुनिए, सनातन धर्म तब था जब आप शायद किसी ना किसी योनि के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुच्छ या कुछ ना कुछ बन के जी रहे होंगे, और सनातन धर्म तब भी रहेगा जब आप शायद यहां नहीं होंगे या कहीं ना कहीं ऐसी टुचकोनी में होंगे क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। में सनातन की जयकार है, पूरे विश्व से भारत में लोग आ रहे हैं और भारत के अध्यात्म को जानना चाह रहे हैं, उसकी उस पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अनुगामी बन रहे हैं, और ऐसे घटिया हिंदू और ऐसे घटिया नेता भारत में रहकर सनातन को रोकना चाहते हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। आप अगर 108 जन्म भी ले लो तो भी आप जैसे लोग उसको खत्म नहीं कर पाओगे। प्रयास उस समय भी करता राक्षसों ने जो हवन के अंदर हड्डियां डाला करते थे, आज आप हो जो सनातन धर्म के प्रचार के अंदर अपनी आप जबरदस्ती की आप कुछ ना कुछ ऐसी बात रखते हो, उसका अपमान करते हो, और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और इनके जैसे, ममता बनर्जी जैसे जितने नेता चुप हैं, सनातन की जब सनातन के ऊपर कोई भी टिप्पणी करी गई तो आप लोग चुप हैं। क्यों, आप क्यों चुप हैं? भारत सनातनियों का देश है, आप इस पर चुप है, इसका मतलब कि आप लोग भी वही चीज चाहते हो। तो आप सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले अपने अंदर वो आग जला लेना, अपने अंदर वो ज्वाला जला लेना। अगर नहीं जला सके तो मेरे चैनल सब्सक्राइब मत करना। अगर आप सनातन के खड़े नहीं हो सकते, सनातन हित के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो आपका भारत में रहकर हिंदू कहलाना बेकार है। आप अपने रिलीजन वाले कॉलम के अंदर कुछ और भर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा।